तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए कदमखला विथ माय फ्रेंड्स और हमारे टीममेट्स। फ्रेंड और टीममेट्स के साथ आज घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग और मज़ा करने वाला है। अब बस देखते रहिए मज़ा से। गाइस शायद हम लोग पहुंच चुका है यहाँ पे, हम आ चुका है तो हम लोग शायद आ चुका है। और हमको लग रहा है यहाँ पे फैमिली पिकनिक नहीं, दोस्तों का पिकनिक नहीं देगा शायद मेरे को, क्योंकि हम उस दिन आके गया जा चुका है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग का शायद कदम खड़ा ज्यादा दूर नहीं है ना भाई, तो सामने ही है राहुल आ चुका है। तो राहुल गाइस कदम खड़ा पहुँचने वाला है भाई हम लोग, और राहुल बता रहा है कि वैसे यहाँ पे कपल्स और फैमिली पिकनिक अलाउ करता है, वैसे ऐसे सुनने में आ रहा है राहुल बता रहा है। तो बट अभी पता नहीं, जाके देखता है कि वैसे हम तो सिर्फ टीम मेट आया, हम लोग सिर्फ दोस्त लोग आया, और पता नहीं कि दोस्त लोग को मतलब जो मतलब दोस्त लोग को तो लड़का लोग का जो पार्टी होता है वो तो थोड़ा धमाका होता है, तो इसी के कारण शायद पता नहीं अलाउ करेगा नहीं, पर जाके देखता है पहले फिर आप लोग को भी बता देंगे। हम आपका 2 महीना पहले आया था नहीं क्या? तो वैसे राहुल भाई 2 महीना पहले आया था। ओ और यहाँ पे लिखा भी है ये भाई, हम आपको दिखा रहे। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ फैमिली और कपल्स का एंट्री है, हम लोग के लिए अलाउड नहीं है, मतलब मेंस के लिए अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जाएंगे दूसरा जगह ढूंढने के लिए जाएंगे ना, क्या दूसरा जगह जाएगा क्या? क्या कोई बात नहीं क्या बोलते हैं अमर, दूसरा जगह जाते हैं ना, स्पॉट चेंज क्या फैमिली है तो क्या, हम लोग भी फैमिली था लेकिन क्या करेगा, देख लो और एक बार। ओनली फैमिली एंड कपल्स अलाउड, तो अभी क्या ही करे। और राजू भाई भूल गया क्या लाने के लिए? और देखो हम लोग सबका थोड़ा मूड बिगड़ गया है, क्योंकि ये जगह सब लोग सिलेक्ट किया था, मतलब ये कदमखला में हम लोग पिकनिक मनाएगा बोल के सब लोग, मेरा दोस्त लोग टीममेट्स लोग, बट क्या करेगा। क्या मिलता है, रूम मिलता है या ऐसे? रूम मिलता है तो कपल्स लेना भाई इधर। वो ये जो कॉटेज है ना, हाँ, वो एक रात के लिए वो 1800 का है। 1800 एक कपल्स के लिए, एक रात के लिए। ओ, मतलब एक मतलब ये कॉटेज लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे, कॉटेज है यहाँ पे, और आगे भी है ना भाई, और आगे भी है। तो जगह तो वैसे बहुत सुंदर है, देख सकते हैं तुम लोग, जगह पूरा मस्त है। यहाँ पे कपल्स एंड फैमिली ओनली अलाउड, वैसे ये है कॉटेज है और आगे भी है, तो वैसे हम लोग का अलाउ नहीं आगे जाने के लिए। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेशन डेस्टिनेशन पे जाएंगे हम लोग। तो अभी हम लोग गाड़ी घुमा रहे हैं, वैसे हम आया ये स्कूटी पे, मैं और राहुल आया, और ये वाला स्कूटी पे आया तेरा रूपम और राजू, ये दोनों ये वाला स्कूटी पे आया, और अभी हम लोग जाएंगे ये वाला। तो गाइस कदमखला का स्टोरी तो पता ही चल गया मतलब क्या स्टोरी है। स्टोरी ये है कि मतलब अगर आना है तो ओनली कपल्स एंड फैमिली, और भाई तो एंट्री नहीं है ब्रो, जैसे कि हम लोग को एंट्री नहीं मिला है ब्रो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा डेस्टिनेशन, अभी देखेंगे यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, वो दिख रहे राजू भाई देख रहे कौन सा जगह जाने वाला है अभी हम लोग। वैसे जगह तो भाई अवेलेबल है, बहुत सारा जगह है। हेलो गाइस, हम लोग को अभी पिकनिक स्पॉट नहीं मिले, अभी हम लोग ढूंढ रहे, थोड़ा लेट हो चुके हैं। बाबू भाई कैसा लग रहा है ब्रो? बस बढ़िया लग रहा है। गाइस तो हम लोग का प्लान हो चुका है, और अभी हम लोग जा रहे हैं साई मिका ना, राहुल भाई कहाँ जा रहे हैं? साई मिका वो डेंथ लाइन कुछ जगह का नाम है, वैसे मेरे को पता नहीं है। तो भाई क्या ही बोले, क्या कर रहे अभी भाई, वहाँ पे प्लान किया था वहाँ पे तो हुआ नहीं है, बट कोई बात नहीं, होते रहता है ये सब चीज। प्लान सर मेड टू बी ब्रोकन, सही बताया राहुल भाई ने, क्या ही बोले अभी, कोई बात नहीं ब्रो, एंजॉय तो हम लोग वहां भी करेंगे भाई, कोई बात नहीं। वैसे राहुल भाई एक बात बताओ कि मतलब मेरा क्या हुआ पता है, ये कदम खड़ा तो मेरा पहली बार था, और वैसे मेरे को बहुत मन था यार अंदर जाने का, लेकिन अंदर का व्यू ना भाई बहुत ही मस्त था, क्या नहीं बोल राहुल भाई
भाई किसी कपल से आता ना भाई उसके लिए कपल होना भी पड़ेगा ना ये बात ही है यही नहीं वो यही 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 मेन बात तो यही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साईं बी का ब्रो, तो लेट्स गो ब्रो। रुकता है ना यहाँ पे भाई, ये क्या है प्रति धीरे 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 भाई देख भाई देख देख मजा ही कुछ और है ब्रो। यहाँ पे कुछ चल रहा है यही ये वाला देखिए। ओ भाई क्या बोले देखिए क्या ही बोले ब्रो। तो वैसे ये जगह को बोलते हैं मॉकोडॉक, ये जगह मॉकोडॉक है और ये भी एक व्यू पॉइंट है शिलोंग का। मतलब ये भी एक मतलब यहाँ से भी आदमी लोग मतलब बहुत आता है यहाँ पे फेमस। ये देखो ये देखो दुकान बाउल यार कैमरा धूल धूल हो गई। तो गाइस ये है मकोडॉक, मकोडॉक से हम लोग थोड़ा आगे आ गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ही भीड़ था और वहाँ पे मतलब हम लोग के लिए लेट भी हो रहा था। तो बट ये देखो व्यू देखो भाई पीछे का व्यू देखो यार क्या रियलिस्टिक क्या मजा ही आ रहा। क्या बोलते हैं राहुल भाई क्या कैसे लग रहा है ब्रो? बहुत दिन का बताया हम लोग ये हम लोग का विशाल ज्यादा मस्ती में नाच रहा है भाई, क्या ही बोले पिकनिक भाई। का फुल टू मजा ले रहा है राहुल भाई को बैलेंस लो राहुल भाई भूख भी लग गया है और राहुल भाई को भूख भी लग गया बोला ब्रेकफास्ट खा के नहीं आया था बेटा क्या ही बोले। और देखो इसका कलर देखा है भाई पानी का कलर देख लो देख रहा है क्या कलर है भाई ये क्या कलर है ऑसम कलर है। तो कोई बात नहीं आ गया ये ऑफ रोड शुरू हो चुका है हम लोग साईं बी का पार्क पहुंच गया है और यहाँ से लेफ्ट लेना है जा रहा है हम लोग साईं बी का पार्क। साईं बी का पार्क ले गया है तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं साईं बी का पार्क से क्योंकि हम लोग अच्छा नहीं लगा वो जगह बोल दिया। तो भाई आज वैसे दो जगह कैंसिल हो गया, एक तो फ्रीडम कला का जो था वहाँ पे भी मतलब हम लोग को अलाउ नहीं किया और यहाँ पे ये पार्क है ये साईं बी का पार्क है तो पार्क में पिकनिक कैसे बनेगा नहीं हो सकता। तो अभी नेक्स्ट प्लान गया हम लोग का कौन सा डेंथलिंग डेंथलिंग तो अभी जा रहा है हम लोग डेंथलिंग तो भाई वो फाइनल शायद वो फाइनल हो जाएगा। वैसे अभी तो बच गया 12 कोई बात नहीं कोई बात नहीं ब्रो कोई बात नहीं एंजॉयमेंट के लिए टाइम ही टाइम है अपने पास जाएंगे बनाएंगे खाएंगे क्या बोलते हैं राम भाई और क्या है ना देख 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 राम भाई बीमार देख बीमार था यार बीमार से भी उठ के आया भाई पिकनिक मतलब ये है टीम का पिकनिक एक्चुअली। तो मतलब यहाँ पे जो भी है जो भी लड़का लोग है सब अपना टीम मेट्स है सब भाई लोग है सब लोग खिलाड़ी लोग है एकदम मस्त प्लेयर लोग है। इधर भी नहीं होगा क्या करेगा बोल देना तो नहीं इधर भी बैक टू होम बैक टू नहीं मेरे को लगता है ना बाबू मेरे को लगता है हो जाएगा इधर डेंथलिंग तो डेंथलिंग में हो जाएगा क्या बोलता है चुन्नू होना है ना भाई होना है। चलो चलो भाई होना तो भाई होना तो भाई तुम लोग को कहीं बोले गुड लक है भाई तुम लोग का भाई तीन तीन जगह देख सक रहे हैं एक तो साईं बी का पार्क भी देख लिया तो मतलब और फिर अभी देखो डेंथलिंग तो भाई अच्छा से देख लेना डेंथलिंग तो डेंथलिंग जा रहा है अभी हम उसको बोला इंतजार है भाई इंतजार ही है यार कब पहुंचेगा डेंथलिंग यार यहाँ से और कितना दूर है राम डेंथलिंग और 10 मिनट लगेगा ब्रो जीतने से और 10 मिनट तो बाबू भाई का माथा गर्म हो रहा है मतलब ये रास्ता जो है पूरा फिनिश खत्म हो जाएगा ठीक बोला
मेरा साथ दो, सारे गम भुला के झिल मुस्कुरा के जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ थाम ले हाथ चाहे जो भी हो, तू बस दे दे मेरा साथ। राह नहीं तुझ में कहीं है मेरी जमीन, तू दे दे मेरा साथ। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए डेंथल। फाइनली हम लोग यहाँ वहाँ घूमते 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 तो ये जगह सेलेक्ट कर लिया है, डेंथलिंग आ चुका है अभी हम लोग। तो देखो आज जेन डेंथलिंग में क्या करता है क्या नहीं करता है, मज़ा ही करता है, कैसा वाला मज़ा करता है अभी आगे जाके देखते हैं। तो अभी जा रहा है अभी हम लोग जगह ढूंढने के लिए कि बैठ के कहाँ पे खाना है, तो बनाना है अभी। बहुत जगह देख सकता है यहाँ पे है, अभी भी है, घूम रहा है यहाँ पे, हम लोग भी घूम रहे हैं रोड में। तो जगह फाइनली मिल गया हम लोग को ना रोड में, बहुत सही जगह है, बहुत सही जगह है। ये वैसे किसका आइडिया था रोड में यहाँ पे रेंट लगाने के लिए? आपका आइडिया था। तो बस तो मजा लग गया यार, तो आया तो आया, चलो अभी इंजॉय करना है। और जगह भी सबको शायद मिल भी गया हम लोग को। ये ब्रिज है, टैक्सी गाड़ी लाई बोलने वाला ब्रिज का यही है यहाँ पे ही, वो टैक्सी गाड़ी लोई वाला ब्रिज का यहाँ पे ही शूटिंग हुआ था एक्चुअली। तो ये देख सकते हैं और ये सब दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये सब दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो चार चार लड़का प्याज छील रहा है। देखा लड़का क्या कुछ नहीं कर सकता है, देखा प्याज भी छील सकता है। देखो रुकमा बता दे एक बार, सकता कि नहीं सकता, कौन बोले लड़का कुछ नहीं कर सकता। देखा लड़का प्याज भी छील सकता है, और आज सब कुछ लड़का ही करेगा, सब कुछ खाना वाना कौन बनाएगा भाई, लड़का बनाएगा। तो अभी हम लोग प्याज छील रहे हैं। तो आज पता चल गया बाबू बेटिंग के अलावा वो गाना भी गा सकता है और सब्जी भी काट सकता है। तो जितेंद्र की गुरु लक्ष्य है, माटी लगाए ना की लगाए रहे। तो भाई ये है टेक्निक, यहाँ पे अगर बर्तन का ऊपर में अगर ऐसा मट्टी लगा देगा तो अगर आग में जलाने से भी वो काला नहीं होगा ना बर्तन, काला नहीं होगा, सही बोले। तो ये टेक्निक आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जितेंद्र भाई का अच्छा कर रहे हैं, जितेंद्र एकदम दामी है। तो जितेंद्र एकदम खतरनाक दिमाग यूज किया है इसमें। तो बाबू भाई क्या बना रहे हैं आज हम लोग चिली चिकन बना रहा है, चिली चिकन बना रहा है स्नैक्स के लिए, स्नैक्स के लिए मिर्ची वाला मुर्गा। तो मिर्ची वाला मुर्गा, अच्छा तो बाबू बना रहा है मिर्ची वाला मुर्गा। और ये हम लोग का चिकन मैरिनेट करके लाया ना बाबू, घर से मैरिनेट करके लाया ना क्या भाई, पूरा एकदम पहले ही मैरिनेट करके लाया अभी। तो भाई ये क्या स्नैक्स के लिए हम लोग का सही अपना स्नैक्स बन रहा है। ये है चिकन, चिकन तेल खाना पूरा है, चलो चलो।
इसमें क्या क्या मिक्स किया बता। इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और अजीनोमोटो डाला है, ब्लैक पेपर डाला है और अंडा डाला है, नमक डाला है, मैदा डाला है। चिकन तो पहले से ही था और पहले से भाई। तो देखो ये भी बन रहे, देख थोड़ा सा मेरा वाह और भी। ये तो स्टेप वन है, स्टेप टू भी होगा। तो गाइस वैसे हम लोग का चिकन बन चुका है और मेरा भाई लोग भी कुछ कुछ कोई खा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, तो इसीलिए अभी मैं ये चिकन है बन चुका है। देखो क्या मस्त बनाया, तो वो भाई ने बनाया, क्या नाम, मतलब भाऊ भाई ने बनाया, क्या मस्त बनाया, वैसे बहुत टेस्टी है। दिखते कसम एक नंबर बनाया, मजा आ गया यार बहुत। कैसा हुआ भाई?